नमस्कार, बीसी न्यूज के खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। मीडिया से बातचीत में विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चरणेश्वर कारखाने के मुद्दे पर ईडी ने की गई कार्रवाई का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि चरणेश्वर कारखाने के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस समय हाईकोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया था। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार ईडी की ओर से जाँच की जा रही है। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर भी आम लोगों के लिए शाम 4 बजे तक खोला जाएगा। इसके लिए कलेक्टर द्वारा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। विभाग द्वारा लोगों के प्रवेश के दौरान और अंदर घूमने के दौरान सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए शाम 4 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है। कुछ दिनों पहले नागपुर के तहसील पुलिस थाना अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार की हत्या कर खुद आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। अब ऐसा ही एक मामला अमरावती में येवला पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है। शवों से दुर्गंध आने के बाद इलाके में रह रहे रहवासियों को इस घटना के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में इस मामले की शिकायत की। अब पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जाँच जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर इकाई की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में शुक्रवार को वैरायटी चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ते पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस के भाव पर नाराजगी जताते हुए चूल्हे पर रोटी व भोजन बनाया गया। हिंगना पुलिस थाना अंतर्गत 10 लोगों के गुम हुए मोबाइल का पता लगाकर उनके मालिकों को लौटाए। पुलिस उपायुक्त नूरुल हसन के मार्गदर्शन में हिंगना पुलिस थाना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारी दुर्ग की टीम रविन्द्र नितिनवार, कमलेश शाहू ने पुलिस उपायुक्त कार्यालय के पुलिस सिपाही अश्विन चौधरी की मदद से गुम हुए 10 मोबाइल को कड़े परिश्रम के बाद इन मोबाइल को फोन का पता लगाया। राज्य सरकार से कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त होने के कारण नागपुर नगर निगम सहित 140 सरकारी केंद्रों पर शनिवार को 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को टीकाकरण किया जाएगा। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। शनिवार को जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जिस दौरान उन्होंने नाना पटोले द्वारा सीएम को महाजन को द्वारा किए गए घोटाले के संदर्भ में पत्र भेजा था, उसके चलते उनका अभिनंदन किया और इस विषय में अधिक जानकारी साझा की। प्रमोद मेरुगवार स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के पुलिस कर्मचारी, इन्होंने अपने निवास स्थान जिंगाबाई टाकली मानकापुर नागपुर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पिछले 3 महीनों से प्रमोद छुट्टी पर था। प्रमोद को व्हाइट फंगस बीमारी हो जाने से उसकी दोनों आंखों की दृष्टि चली गई थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी कारणवश वह डिप्रेशन में भी था। बीसी न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसी न्यूज। नमस्कार।